इस वक्त रवि, कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी, ये तस्वीरें आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्या कहेंगे लोगों के इस आक्रोश को और इनकी मांगों को लेकर? देखिए, पूरे राज्य भर में आक्रोश है, ये तो श्रीनगर में आपको दिखाई दे रहा है, बेस अस्पताल में, ये आक्रोश पूरे राज्य में है। राज्य की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। राज्य के अंदर इतना बड़ा अपराध घटित हो गया, उस अपराध में जिस प्रकार से शासन प्रशासन सरकार राजस्व पुलिस सबकी भूमिका रही है, उससे लोग क्षुब्ध हैं। लोग बहुत बहुत ज्यादा आक्रोशित इसलिए भी हैं कि 5 दिन तक जब राजस्व पुलिस की जो भूमिका है उसके बाद पुलिस ने जो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, 5 दिन के बाद जन दबाव के कारण उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, उसके बाद जो पूरा प्रकरण खुल के आया, अब आपने उसमें प्रशासन कह रहा है कि साहब हमने बुलडोजर चलाने का आदेश ही नहीं दिया, तो जिस जगह ये इतना जघन्य अपराध हुआ, इतना विभत्स अपराध हुआ, वहां पर जिस जगह सबूत मिल सकते थे, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, पूरी सारे सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे, वहां पर आपने उस पर बुलडोजर चला दिया। उसके बाद जिस प्रकार से फैक्ट्री में आग लगी वो भी अपने आप में संदिग्ध है। कितनी अंकिताओं की अस्मत वहां पर लूटी है, कितनी अंकिताएं वहां पर मजबूर हुई हैं इस काम के लिए, ये कौन बताएगा? इसलिए पूरे राज्य भर में आक्रोश है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि राज्य के वो लोग जो अपने आप को पौड़ी जनपद का बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, जो राज्य में मंत्रियों के पद पर औहदे पर बैठे हुए हैं, जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, वो कहाँ हैं आज? क्यों नहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं? राज्य की सरकार को समझना चाहिए कि एक बेटी अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए अपने घर से दूर एक होटल में एक रिजॉर्ट में नौकरी करने जाती है और उसको वैश्यावृत्ति में धकेलने के लिए जिस प्रकार से प्रयास किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, मैं समझता हूँ ये पूरे राज्य के लिए बड़ी शर्म की बात है और उन नेताओं के लिए शर्म की बात है जो दावा करते हैं बड़े बड़े बगल के जनपद में हरिद्वार में जाकर के आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिला पंचायत का और आप जाकर के वहां पर सांत्वना नहीं दे सकते। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, आप राज्य के बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं और आपसे ये नहीं हो रहा है कि अपने जनपद में इतना बड़ा घटना एक हो गई है, अपने जनपद की उस बेटी के माँ बाप के आंसू पोंछने के लिए कोई पहुंच जाए, इसलिए लोग आक्रोशित हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल परिवार को देनी चाहिए, उनका जो बेटा बेरोजगार है उसकी नौकरी के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को तत्काल ये कदम उठाना चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय नौजवान भी महिलाएं भी सारी राज्य की जनता इस समय भारी आक्रोश में है, गुस्से में है। जी सूर्यकांत जी, लेकिन ये बताएं कि सीएम कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया है, आरोपी पकड़े गए हैं और तुरंत यहां कार्रवाई करते हुए बुलडोजर भी उस रिजॉर्ट पर चला दिया गया जहां पर जहां से संबंधित ये पूरा घटनाक्रम रहा है, तो इस पूरी कार्रवाई को आप कितनी तत्परता से किया गया कदम और कितनी गंभीरता इसमें सरकार की देख रहे हैं? देखिए, सरकार की गंभीरता, ये एक ऐसा आपराधिक मामला है, ऐसा एक टेक्निकल मामला है कि उस जगह पर जहां पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही, अपनी पीठ थपथपाने की बात कही जा रही, वहां पर बुलडोजर चलना ही नहीं चाहिए था, उसको तो सील करके सरकार को अपने कब्जे में रख करके वहां पर कमरे में क्या क्या हुआ, कहां पर उसकी पिटाई हुई, कहां पर उसके दांत तोड़े गए, कहां पर उसके साथ जो शारीरिक छेड़छाड़ की बात तमाम चैटिंग में आ रही है वो कहां कहां पर हुई, कहां पर उसके साथ कोई अन्य जो जघन्य बात हो सकती थी कहां पे हुआ, वो कैसे पता लगेगा? अब आपने बुलडोजर चला करके, देखिए बुलडोजर हर चीज का, बुलडोजर जो है वो हर चीज का इलाज नहीं है। बुलडोजर आप चलाते हैं, पहले आप उसके घर में चलाइए ना बुलडोजर। आपने उस रिसोर्ट में बुलडोजर चला दिया जहां सारा ये घटनाक्रम हुआ है। मैं समझता हूँ ये बुलडोजर चलाने से केवल राज्य की जनता इससे मुतमईन होने वाली नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई, अरे भाई 5 दिन तक राजस्व पुलिस इस मामले को जिस प्रकार से टालमटोल करती रही, पूरे राज्य का 50% से ज्यादा भूभाग वो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में जितना पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र है वो सब रेवेन्यू पुलिस में आता है और रेवेन्यू पुलिस की जो हाल है, जो हालत है, जो उसकी कार्रवाई करने का तरीका है वो आपके सामने है। हाथ कंगन को आपकी क्या पड़ेगी? कई खामियां लापरवाहियां आप इसमें शासन प्रशासन की देख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात इस मंच पर रखने के लिए। सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के, उन्हें आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत लापरवाहियां इस पूरी कार्रवाई में की गई है। जिस तरह से रिजॉर्ट के उस कमरे को ढहा दिया गया, उस क्षेत्र को ढहा दिया गया जहां से कई सबूत मिल सकते थे और अभी तक इतना समय बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।